नमस्कार, आप देख रहे हैं सिट पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी और जेडीयू के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, या फिर कह सकते हैं कि आरजेडी और दूसरी विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से बिहार सरकार पर हमलावर है, सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है, वो सिलसिला खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। और इन हमलों की वजह से बिहार की राजनीति जो गर्म है, उसकी गर्माहट खत्म होती नज़र नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव ने अब एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था क्रमनासा सीमा पर की गई है, क्रमनासा बॉर्डर पर की गई है। आरजेडी की ओर से दो गज की दूरी जरूरी है और दो वक्त की रोटी भी जरूरी है, इसलिए लोगों का पेट भरने के लिए आरजेडी ने ये पहल की है। लेकिन प्रशासन के लोग उसको उजाड़ना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर जेडीयू चाहती है तो अपना बैनर पोस्टर लगा ले, लेकिन डिस्टर्ब न करे, क्योंकि सरकार अगर बेहतर इंतजाम करती तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ खाने के लिए नहीं आते। तेजस्वी यादव ने इस वीडियो में क्या कहा है वो सुनिए। और इस वीडियो के साथ तेजस्वी ने यह भी लिखा है कि मेरी हाथ जोड़कर बिहार सरकार से विनम्र विनती है, आप बीजेपी और जेडीयू का बैनर, झंडा और बड़े नेताओं के कटआउट लगा लीजिए, लेकिन भूखे श्रमिक भाइयों के पेट पर लात मत मारिए। हम मानवीय आधार पर जनसेवा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं। आप अपना प्रचार कीजिए लेकिन भोजनालय नहीं चलने दीजिए। वीडियो भी दिखाएंगे आपको। वीडियो से पहले एक जरूरी बात आपको बता दें कि लालू यादव ने भी आपत्ति जताई है, लालू यादव ने भी निशाना साधा है। लालू ने तेजस्वी के ट्वीट पर लिखा है कि बिहार सरकार का रवैया न करेंगे न करने देंगे। अब वीडियो देखिए तेजस्वी यादव ने क्या अपील की है और क्या आरोप लगाया है प्रशासन पर। दो दिन पहले जो करनासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में जो हैं प्रवासी मजदूर जो हैं वहाँ आ रहे हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि दो गज दूरी के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी उनको मिले। और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो हैं काफ़ी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मजदूरों को जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन कल रात से ही, कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो हैं उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में करनासा बॉर्डर पे जहां ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं खा पी रहे हैं। इनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके, हर एक चीज़ों का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारे कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडीयू का लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो है वहाँ आ रहे खा रहे हैं? या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज़्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहाँ नहीं खा पा रहे जहाँ, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रमिकों को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है, मजदूरों को लेकर, छात्रों को लेकर बिहार में खूब सियासत होती रही है। संकट काल में ये सियासत लगातार जारी है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस संकट से उभरे, सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा के चुनाव तय समय पर हो सकते हैं, और शायद इसी वजह से बिहार की राजनीति लगातार गर्म है, विपक्ष पूरे एक्टिव मोड में है, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह का पलटवार सामने आ रहा है। आज तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर जो आरोप लगाया है वो हमने आपको बताया है। तो बिहार की सियासत में रोज़ यही हो रहा है, आम बात है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।